नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। दिल्ली की सियासत में इस वक्त धरना वर्सेस धरना का ट्रेंड चल पड़ा है। अरविंद केजरीवाल साहब एलजी हाउस के घर में धरने पर बैठे हैं, तो उस धरने के विरोध में बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री आवास के दफ्तर में धरने पर बैठे हैं। दिल्ली की जनता परेशान है, हैरान है और ये सोच रही है कि प्रदूषण का जो लेवल इस कदर बिगड़ गया है, आखिर उससे कैसे उभरा जाए, और एयर कंडीशन कमरों में बैठकर धरना दिया जा रहा है। बहरहाल, बीजेपी आज सड़कों पर भी नजर आई। बीजेपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरोध में आज रैली निकालती, धरना प्रदर्शन करती नजर आई। तमाम बीजेपी के जो दिल्ली बीजेपी के जो नेता हैं वो सड़कों पर दिखे अरविंद केजरीवाल को लेकर बिजली पानी के मुद्दे पर। दरअसल बिजली पानी के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने आज सड़क पर प्रदर्शन किया है, और इस प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी के जो तमाम दिल्ली बीजेपी के जो नेता हैं वो इस प्रदर्शन में मौजूद थे, जहां पर केजरीवाल का पुतला दहन करने से लेकर घड़े फोड़ने तक का प्रदर्शन किया गया है। हमारे सहयोगी कमल इस प्रदर्शन में मौजूद थे, देखिए ये रिपोर्ट। बिजली पानी को लेकर बीजेपी ने आज दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना दिया है, धरने का प्रदर्शन किया है, और इस वक्त हमारे पूर्वी जिला अध्यक्ष हमारे साथ बीजेपी के मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या क्या कहना चाहेंगे सरकार। हम एक लाइन में बात कहना चाहते हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में कहा था, मैं दिल्ली का मालिक हूं, और मैं ये उनको बताना चाहता हूं कि मालिक अपने जेरे साये रहने वाले लोगों को छोड़कर मैदान से भागते नहीं हैं। उनको मैदान में आना चाहिए और दिल्ली की जनता को पानी देना चाहिए। पानी देने के लिए उनको प्रयास करने चाहिए, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के रेस्ट हाउस के अंदर एयर कंडीशन के अंदर बैठकर ट्विटर पर दिल्ली से बात करनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि उनको यहाँ पर आना चाहिए, दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए कि पानी की कमी क्यों है। सर, केजरीवाल सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? हम से केजरीवाल सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि वो किस तरह से दिल्ली की जनता को दुखी दर्द पे हाथ रखकर कि मैं उनके लिए पता नहीं क्या कर दूंगा, और वो दिल्ली की जनता को मरवाने के ऊपर लगा हुआ है। पानी एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता है कि जिसके बिना व्यक्ति आधा घंटा भी नहीं रह सकता, और उसको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि पानी कैसे प्रोवाइड करूंगा। उसको 3 साल के अंदर योजना बनानी चाहिए थी, वो अगवत था इस बात की, उसको जानकारी थी कि दिल्ली के अंदर पानी की समस्या रहती है, उस समस्या को मैं पूरा करूंगा। तो उसने कोई भी इसका तरीका नहीं ढूंढा, ना तो उसने कोई बोरवेल बनाए, ना उसने हरियाणा सरकार में जाकर बात करी पानी के लिए प्रार्थना करी, ना उसने केंद्र से कोई बात करी। वो तो बाहर डोल रहा है और जाकर धरने में बैठ गया। हाँ, वो दिल्ली की जनता को समझ में आ रहा है कि केजरीवाल बातों से ही अपनी राजनीति कर रहा था, उसको हमारी कोई चिंता नहीं। दिल्ली की सरकार को दिल्ली में बने रहने कोई हक नहीं है, ना बिजली ना पानी, और ये काम करने की नीयत नहीं है उसकी। क्या कहना चाहेंगे सर केजरीवाल सरकार? केजरीवाल एलजी के ऑफिस में बैठ के नाटक कर रहा, नौटंकी कर रहा, वो स्वराज मांगने की राजस्वक रहा। 3 साल पहले जब उसने इलेक्शन लड़ा था, उसको नहीं पता था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। अगर उसको इलेक्शन लड़ना था तो किस पूर्ण राज्य से इलेक्शन लड़ना था पहले? अब ये 3 साल में इसने कोई काम तो क्या नहीं है। दिल्ली की पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है, ये पूर्ण राज्य का हमारे हक में नहीं है। अरे, जो तुम्हें अपना पैसा मिला उसे खर्च करो, अपनी सारी जिम्मेवारी से पीछे जुड़ा रहा है। वो छुप के बैठा है, ये एसी में बैठा, भूगड़ताल में नोटिंग कर रहा सारा। देखिए, केजरीवाल की 3 साल सरकार को हो गया है। केजरीवाल ने हमेशा ड्रामा किया है, और केजरीवाल ने कभी भी कोई दिल्ली की जनता के लिए कोई फायदा नहीं पहुंचाया, और आज दिल्ली की जनता पानी के लिए भटक रही है। और केजरीवाल ने अब ये मुद्दा ले लिया है कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाए, और जनता को भटका रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के। और केजरीवाल के उसके एलजी के यहाँ पर वो बैठे हुए हैं और नौटंकी रच रहे हैं। तो केजरीवाल ने आज तक कोई काम नहीं किया, जनता की दिल्ली को भकाया है हमेशा, अपना उसमें पास कर दिया है बजट, और बजट पास करने के बाद पेपर में निकाल देता है। अरे, पहले फाइल एलजी के पास भेजिए, जहाँ से उसका संविधान के अनुसार उसको सैंक्शन किया जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, एलजी के पास फाइल भेजनी चाहिए। बीजेपी का सीधा सीधा केजरीवाल सरकार पे आरोप है कि केजरीवाल को पता था कि ये पूर्ण राज्य नहीं है, ये ड्रामे कर रहे हैं और एलजी हाउस में बैठे हैं, काम करने की मंशा नहीं है। बीजेपी पानी और बिजली को लेकर इस समय सड़क पर बैठी है, धरने का जवाब बीजेपी धरने से दे रही है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ कमल सिंह, पंचायत टाइम्स न्यूज दिल्ली। तो देखा आपने कि किस तरीके से बीजेपी का लगातार प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो रहा है। लगातार बीजेपी
इस तरीके से हमलावर हैं अरविंद केजरीवाल पर कि उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए। और इधर अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि बीजेपी प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों की रसाकशी के बीच में आपने देखा कि जनता परेशान है। लगातार प्रदूषण का स्तर इस लेवल तक चला गया है कि यहां सांस लेना दुभर हो गया है, और जब कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करती है तब कहीं जाकर एमसीडी उस पर काम करना शुरू करती है। लेकिन सरकारें अभी भी संजीदा नहीं है, विपक्ष अभी भी संजीदा नजर नहीं आ रहा है। धरना वर्सेस धरना की सियासत दिल्ली में नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से कमल अभी इस रिपोर्ट में बता रहे थे कि बीजेपी के विधायक बिजली पानी के मुद्दे पर भी अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये और ऐसी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार।